हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम रिट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स होंगे उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी क्वेश्चन पर ही हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट मैं आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात अच्छी और ये है कि मैं इन वीडियोस में रिट से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, पहले के पेपर में आए हुए क्वेश्चन और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी मैं साथ में आपको सॉल्व कराऊंगा। और आपको समझना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को, और वहाँ पर आपको कैसे ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वो कैसे निकालना है, क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है, किस एक्सप्रेशन में है और वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट वन, रिट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा कि पता है कि रिट का लेवल फर्स्ट जो है, चाहे वो लेवल सेकंड का फर्स्ट पेपर, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की सेम है, और रिट लेवल सेकंड के फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है वो सेम सिलेबस है उन दोनों का। हमने सबसे पहले टॉपिक डिटरमिनर्स, निर्धारक का प्रैक्टिस सेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। वाटर क्रिसिस इन द नियर फ्यूचर, द डिटरमिनर्स यूज्ड इन, इस लाइन में डिटरमिनर कौन सा यूज हुआ है, रिट 2018 का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिखा हुआ वाटर, वाटर के यहाँ पर डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर कौन कौन से हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो मेरे वीडियोस, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डिटरमिनर्स स्टार्ट से देखे वीडियो, वहाँ पर सब अवेलेबल है वहाँ पर। तो जो क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, सेकेंड है क्रिसिस, वाटर क्रिसिस, तो यहाँ पर ये वाटर एंड जो क्रिसिस है वो डिटरमिनर्स नहीं है। द नियर, नियर फ्यूचर, नियर एडजेक्टिव है, और द क्या द डिटरमिनर है, यस आर्टिकल डिटरमिनर्स है। ये डिटरमिनर्स के जो फाइव टाइप्स हैं उनमें से ये आर्टिकल डिटरमिनर्स में तीनों आते हैं, ए एन द, तो उसमें से ये राइट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू श्योर देर आरंट ब्लैंक मोर लेटर टू पोस्ट, आर यू श्योर देर आरंट, सेंटेंस किस एक्सप्रेशन में है, नेगेटिव भाव में। तो सम और एनी के यूज में मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अगर सेंटेंस अफर्मेशन हो, अफर्मेटिव सेंस में हो तो सम का यूज करें, और नेगेटिव सेंस में हो तो एनी का यूज करें। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनी, aren't any more letter to post। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मैनी हाउ मच, ठीक है, देखा हमने, हम देखते हैं हाउ मैनी हाउ मच। तो मैंने क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड का भी एक वीडियो डाला हुआ है स्टार्टिंग में, वहाँ पर बताया है कि हाउ मैनी का यूज किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, एंड हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो ब्लैंक के बाद यहाँ पर देखो टाइम लिखा हुआ है, टाइम समय अनकाउंटेबल है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मच, हाउ मच, हाउ मच टाइम डू वी हैव, हाउ टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखो टाइम अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पर टाइम्स समय को काउंट किया है, काउंटेबल बनाया है, जिस प्रकार से देखो
हेयर और हेयर्स होता है, हेयर HAIR हेयर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब हम उनको कुछ संख्या में बताना चाहते हैं कि उसके 4 बाल, उसके 8 बाल लाल है, सफ़ेद है, तो वहाँ पर वो काउंटेबल हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो टाइम्स है, तो अगर इस तरह से अगर हो आपका क्वेश्चन तो वहाँ पर क्या होगा, मैनी राइट होगा। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। ओके देखो ये सब फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के 2014 के हैं, 12 के भी हैं, सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं डिटरमिनर्स के, वो भी मैं आपको मिक्स कराता रहूंगा। ब्लैंक फ्यू स्टूडेंट्स, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन में से देखते हैं। फ्यू फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल अ लिटल, द लिटल, ये सब मैंने पढ़ा रखा है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। लिटल का यूज अनकाउंटेबल और फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता, तो देखते हैं। No, the, most, very, तो अब few या तो अकेला आता है, ध्यान रखने होगी, या तो few आएगा या a few आएगा या the few आएगा। तो few अगर अकेला होता तो आगे खाली जगह नहीं आती, और a few होता तो a होता है यहाँ पर, तो a few नहीं है, a नहीं दिया हुआ, तो हमारा कौन सा आ रहा है, the few students, और पीछे clause भी आ रहा है, ठीक है, उपवाक्य भी जुड़ रहा है, relative clause, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, वे विद्यार्थी जो इंतजार, जिन्होंने इंतजार किया था, ऑल्सो लेफ्ट, वे भी, संपूर्णता के अर्थ में द फ्यू का यूज होता है। नेक्स्ट, अ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज देखो यहां पर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, ज्ञान अनकाउंटेबल होता है, तो देखो सबसे पहले यहां पर फ्यू लिख रहा है, फ्यू देखते हैं, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, तो इट इज रॉन्ग, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ लिटल, ठीक है, अ लिटल, ये एक फ्रेज है, ये एक कोटेशन है, अ लिटल नॉलेज, हम देखते हैं कई जगह लिखा हुआ थोड़ा ज्ञान खतरनाक चीज होता है, तो यहाँ पर आएगा अ लिटल। ब्लैंक ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस किस भाव में, किताबें जो हैं अभी भी मिसिंग है, गायब है, किताब यानी स्टिल इज सिंगुलर है, देखो Not, ध्यान रखने योग्य बात, is, तो यहाँ पर इसका मतलब सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर देखो many, गलत, few भी plural के लिए होता है, गलत, तो यहाँ पर one और none में से एक आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, one, क्योंकि sentence affirmative sense में है, तो यहाँ पर one आएगा। One of my books, मेरी एक किताब अभी भी गायब है। They left about hour ago, ठीक है, hour ago, ए एन द फ्यू, आवर अगो, आवर सिंगुलर है, इट इज रॉन्ग, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर वही हमारा ए एन द, हम आसानी से इसको कर सकते हैं, आवर में एच आ रहा है तो कंसोनेंट्स लेटर, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो वाउल प्रोनंसिएशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन, एन आवर अगो। पर्सन्स वर किल्ड इन एक्सीडेंट, यहाँ पर persons देखो पहले तो plural है, okay? Plural यानी this singular के लिए होता है, no, ठीक है? Any negative में आता है, negative sentence या interrogative sentence में आता है, his possessive आ गया, his persons, no, some persons were killed in the accident. Next question देखते हैं, is there blank water in the jug? Next question क्या है, is there ब्लैंक वाटर इन द जग, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, फ्यू, दोज, एनी, दिस, तो क्या आएगा हमारा, एनी आएगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इज देयर वाटर, वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो आना नहीं है, दोज भी नहीं है, दिस भी नहीं है, ओके, एनी आएगा। एनी इज यूज्ड बोथ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लैंक रोज इन योर गार्डन इज ब्यूटिफुल, जो गुलाब का फूल तुम्हारे गार्डन में है वह कैसा है, सुंदर है, तो जो के अर्थ में कौन सा डिटर्मिनर, द नाउन है, जाना पहचाना है। लाइन इज अ डेंजरस एनिमल, जब हम किसी का फर्स्ट बार मेंशन करते हैं तो एक, तो यहां पर अ डेंजरस एनिमल। वुड यू लाइक
वुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में क्या आएगा? सम। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लेना चाहोगे? ही नीड्स वीजा, उसे एक वीजा की आवश्यकता है, जरूरत है। ही इज एम ए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एम ए, फुल फॉर्म तो इसका मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म आए तो ए का यूज करना है, लेकिन जब ये शॉर्ट फॉर्म में आया था देखो तो एम ए, तो एम ए में पहला जो यहाँ पर लेटर आ रहा है ए, जो एक वाउल प्रोनंसिएशन हो रहा है, साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। ये हम सब पढ़ चुके हैं इजी वे में, आर्टिकल डिटरमिनर्स में। आई हैव हार्डली, गुड क्वेश्चन। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नेवर, ये जो है नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं, तो ऐसे में आप किसका यूज करो? एनी। आई हैव हार्डली एनी मनी, फर्स्ट ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है। ब्लैंक हाउस ऑन द कॉर्नर, जो घर कॉर्नर पर है, इज फॉर सेल, वो बेचने के लिए है या वो बिकाऊ है। तो जो घर कॉर्नर पर है, तो जो घर वहां पर पहले से नाउन है, तो यहां पर क्या आएगा? द हाउस ऑन द कॉर्नर। देयर वरंट पीपल देयर, ओके, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, लेकिन ऑप्शन में एनी है ही नहीं, तो हम क्या करना? देखो, पीपल यहां पर काउंटेबल, गिनने योग्य संज्ञा है, तो मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल, अ लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए, तो कौन सा बचा? मैनी। इस तरह से आप ऑप्शन निकाल सकते हो। एनी है ही नहीं, तो हम क्या एनी का इंतजार करें कि एनी तो एनी छोड़ दे? नो। हिज फादर वॉज गोइंग, तब उसके पिता, अगर एक टीचर अपनी स्कूल की तरफ जाता है, प्रोफेशनल वर्क की तरफ जाता है, तो वहां पर जीरो आर्टिकल होता है, जैसे अ टीचर इज गोइंग जीरो स्कूल, डॉक्टर इज गोइंग जीरो हॉस्पिटल। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी विशेष काम के लिए उस स्थान पर जाता है, तो किसका यूज होगा? द। अब वो उसके पिताजी कुछ विशेष काम के लिए स्कूल जा रहे, रोज तो जा नहीं रहे, वो विशेष काम के लिए, और फॉर स्पेशल वर्क और थिंग द इज यूज्ड। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, नेगेटिव आ रहा है, देखो थोड़ा सा मतलब नकारात्मक अर्थ दे रहा है। आई एम सॉरी, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है, ओके, तो सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे दुख है कि मेरे पास अनेक दोस्त है, तो अनेक दोस्त होते तो वो दुखी क्यों होता? अ फ्यू, कुछ दोस्त है तो क्यों दुखी होता? तो फ्यू, फ्यू यानी न के बराबर। आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे दुख है कि मेरे पास न के बराबर मित्र हैं। ओके, ये हुए हमारे आज डिटरमिनेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और हम ऐसे ही क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन साथ में करते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।